अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जाहिद इकबाल इकबाल इंटरटेनमेंट के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज हम अपना प्रोग्राम मेरे टैलेंट के साथ मौजूद है। आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है, मलिक फैसल साहब। इनको पोएट्री का बहुत शौक है, जो कि पंजाबी शहर है, काफ़ी जगहों पर इन्होंने अपनी पोएट्री बयान की है। तो आज हम इनसे पूछेंगे इनकी फिजिकल कॉल और इनके टैलेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम टैलेंट के ऊपर है। अगर आपके टैलेंट आपको लगता है कि आपके अंदर बड़ा टैलेंट है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी वीडियो दे सकते हैं, हम आपके टैलेंट के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आइए फैसल साहब से पूछते हैं उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी खसूसियात के बारे में। आप हमारे नजरिए को अपना इंट्रोड्यूस भी करवाएं और साथ में अपने बारे में बताएं अपनी जिंदगी के बारे में। मेरा नाम फैसल याद है, मेरा से जैसा कि जैद भाई कह रहे हैं, मेरा बचपन से वॉलीबॉल का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो आपको पता है कि वॉलीबॉल ऐसी गेम है जिसके अंदर अनाउंसमेंट की जाती है, बहुत ज़्यादा शेर शायरी बहुत ज़्यादा प्यार की जाती है। तो उससे मुझे काफ़ी मुतासर हुआ हूँ। तो इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि आपको पता है पढ़ाई के बाद जॉब के बाद फिर काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, उनके बारे में सोचना पड़ता है। तो अचानक एक दिन मैं मैच हो रहा था, तो वहाँ पे मैं मैच देख रहा था, अनाउंसर आया था, बड़ा अच्छा मतलब कर रहा था। तो उधर से मैं बहुत मुतासर हूँ। एक तो बात यह है कि जो है ना जाहिद भाई के पंजाबी शायरी वैसे भी आपको पता है कि एक बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ। तो मुझे ये तकरीबन क्या कहते हैं कि मैं पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो उधर से एक दिन वैसे ही मतलब मेरे जहन में ख्याल आया कि चलो यार मैं खुद ट्राई करूँ। तो मुझे वैसे भी जो है ना वॉलीबॉल गेम का पहले मैं बताया है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो वॉलीबॉल के साथ साथ मुझे जो है ना अनाउंसमेंट का भी शौक पैदा होगा अंदर में। मतलब ये जो कमेंट्री होती है मैच है, हाँ जी बिल्कुल, आप तो माशाल्लाह आप करते भी हैं, इसी मैंने आपको ढूंढा और आपको लिया है अपने स्टूडियो में, बड़ी अच्छी बात है। चलिए आप हमारे नागरिक को ये बताएं कि ये एक आधा शेयर भी सुनाएं हमारे नागरिक के लिए और बाद में हम सुनते रहेंगे आपके इंशाल्लाह ताला। नागरिक आज से फैसल भाई हमारे जो है ना प्रोग्राम मेरा टैलेंट में डेली बेसिस पे आएंगे, हम इनकी वीडियो डेली बेसिस पे अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। इकबाल इंटरटेनमेंट के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो इनका एक शेयर सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे की तफसील पूछेंगे। जी जाहिद भाई, आपकी नज़र अगर आप कहते हैं तो चलो शेर सुना ही देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा शेर है जो कि मैं अक्सर लोग जो है ना मैं फरमाइश करते हैं, तो लोग ज़्यादातर उसी शेर की फरमाइश करते हैं, तो मेरा खुद भी वो बहुत पसंदीदा शेर है। तो मैं शेर बयान करूँगा पंजाबी में कि मोटे लख मुश्ताक मना पै दे अंदर जा कोई कहते रुक नहीं, कंड करण तो सजन भाई रब वैरस वैसे किसी भी रोजी रुक नहीं, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਏ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਮਲਿਕ ਸਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੰਗ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਖੋਸੀ ਕਹਿਆ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਕਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਬ ਇਹ ਬਤਾਏ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲਗਾ ਮੇ ਹਰ ਮੈਚ ਦੀ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜੋ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। और आप वहाँ पे मैंने आपको देखे आपकी कमेटी सुनी, वहाँ पे देखा आप माशाल्लाह से बड़े अच्छे से बयान करते हैं, क्योंकि जो आप मैच देखने गए हुए थे जो वहाँ पे आपको उन्होंने अनाउंसमेंट के पहली बार मिलाया था, जब आप पहली बार इंटर हुए जाहिद भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो सबसे ज़्यादा मुझे शौक पड़ा है ना इस चीज़ में कि जब मेरी अपनी शादी थी तो मैंने खुद दो दफ़ा मैच कराया वॉलीबॉल, ठीक है। तो उस वॉलीबॉल के अंदर एक तो मेरे अंदर उस गेम का बहुत ज़्यादा शौक पैदा हुआ, दूसरा जो अनाउंसमेंट का है उसका भी बहुत ज़्यादा मैं उससे मुतासर हुआ, ठीक है। तो पहली दफ़ा एक मेरे दोस्त हैं रावलपिंडी के, उन्होंने मतलब उस मैच में मेरा बहुत ज़्यादा तावन किया था कि मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा वहाँ पे पिंडी में एक चक्री जगह का नाम है वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया था, उनका गाँव उन्होंने टूर्नामेंट कराया था, तो वहाँ पे मैं गया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोगों ने बड़ा पसंद किया और खुद मुझे भी फील हुआ कि मैं इस चीज़ के जो है ना अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं काफ़ी आगे जा सकता हूँ। तो
दूसरा ये है कि नितीश जी का फिर बहुत ज़्यादा शौक लगा, फिर मैं का दोस्त काफ़ी व्हाट्सएप पे रब्ता करते थे, वो फरमाइशी करते थे, कोई कहता था मेरे नाम पे ये थोड़ा पढ़ो, तो वो काफ़ी फरमाइशी। एक चीज़ और देखी आपके अंदर माशाल्लाह से कि आपका इतना अच्छा टैलेंट है कि कम्युनिटी बहुत मुश्किल है, बहुत जैसे कि हमारे मशहूर रवींद्र यादव साहब उन्होंने कहा था कि कम्युनिटी के लिए लफ्जों का चुनाव होता है, और आप पंजाबी में मैंने देखा कम्युनिटी कर रहे होते और मुसलसल आप रुक नहीं रिस्पॉन्स नहीं ले रहे होते, कम्युनिटी कर रहे होते मुसलसल, तो क्या आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए ज़्यादा बोलने की, या ये होता है कि आप लफ्जों का चुनाव किसी हिसाब से पंजाबी में वो भी देखें लोकल जबान है पंजाबी, पंजाबी में आप उसका चुनाव भी कर लेते हैं और बोलते भी हैं, इसके बारे में भी हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने अंदर टैलेंट तो रखते होंगे लेकिन सिर्फ मतलब पब्लिक को देख के घबरा जाते हैं, अच्छा इंसान को एक जब ज़्यादा आराम आ जाए एक बंदा तो कोई मतलब जब ज़्यादा जब प्राउड होता है वो प्राउड को देख के डर जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या आपको क्या फील हुआ जब आपने ये सारा शुरू किया? सर भाई ये टैलेंट हर बंदे के अंदर तो हर बंदे को चाहिए, मतलब हर बंदे को पता है कि मुझे फलान चीज़ का इतना शौक है, मैं उसके इतना उस पर फोकस रखता हूँ, तो उसको चाहिए कि उसको अपने अंदर से निकाले, ठीक है, लोगों के सामने बयान करे, शेयर करे, ताकि लोगों को पता चले कि ये बंदा इस चीज़ का शौक रखता है या इसके अंदर ये टैलेंट मौजूद है। तो मैं आपको अपने खुद बताऊँ कि मैं इस चीज़ का काफ़ी दिनों से मैं फील कर रहा था कि मैं अगर इस चीज़ को ध्यान करूँ तो मैं आगे जा सकता हूँ, तो मैंने खुद पहले दिन जो है अपने नाम पे एक शेयर पढ़ा, तो उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, मैंने अपने फेसबुक पे उसको डाला, काफ़ी लोगों की फरमाइशें आई, कोई कहता मेरा नाम पे पढ़ो, इस तरह के दोस्त वगैरह थे उन्होंने मुझे काफ़ी इस चीज़ से किया कि हमारे नाम भी पढ़े, ठीक है, तो इससे काफ़ी जो है ना मेरा आगे हर बंदे को पता चल गया, जैसे कि आपको पता चला है तो आप मिलने आ गए। यार एक यंग लड़का जिसकी उम्र 18 से 20 साल है, आप अंदाजा करें उसके अंदर इतना बड़ा टैलेंट, और सिर्फ हमारा पाकिस्तान देखा देखी को बहुत पसंद करता है कि देखा देखी करते हैं, माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, इनकी इतनी प्यारी वॉइस, और हर कमेंट्री के दरमियान में शेर लाजमी बोलते हैं और वो भी पंजाबी में ठोस शेर। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपकी क्वालिफिकेशन क्या? नॉर्मल ही है माशाल्लाह से, और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने देखे दिनों में जैसे जैसे भाई ने कहा हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा टैलेंट ज़रूर रखा होता है जिसको लेकर अगर उसको पता चल जाए कि उसके अंदर ये टैलेंट है तो वो दुनिया को जीत सकता है, लेकिन उसको पता चलना चाहिए, ये तब पता चलेगा जब आप अपने आप को देखेंगे अपने आप को समझेंगे। तो फैसल भाई से 2 से 3 शेयर सुने कि हमारी वीडियो लंबी होती है उसको शॉर्ट करने के लिए 2 या 3 दोस्तों के लिए शेयर आप बोलेंगे, और फिर इंशाल्लाह परसों या कल दोबारा अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपने कमेंट्स करते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने अपनी वीडियो शेयर करनी है, जो भी आपके अंदर टैलेंट हो इंशाल्लाह ताला हम आपके टैलेंट को प्रमोट करेंगे और आगे लेके आएंगे, आपके इंटरव्यूज भी करेंगे, आप ये मत सोचिए आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, इकबाल इंटरटेनमेंट आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा इंशाल्लाह ताला। हम 2 शेयर सुनते हैं भाई से, जी नसीर भाई बड़ा शेयर सुनाए हमारे जी सर भाई, आपकी फरमाइश पे शेर में पढ़ूंगा कि लजपाल हालात दी जंग लड़दे भावे वक्त फेर आ जावे, कदी राठ मैदान छोड़े दे नहीं खेले रजब बने रा जावे, आजमाई हुई गल है फिर दे विच बंदे चार दलेर आ जावे, सर भाई को ते उस वेले डर तू नस लंदे जे तू सामने शेर आ जावे, वाह वाह वाह, जब तू सामने शेर आ जावे बाकी कुत्ते शेर वेख नस जाते ने, एक और शेर हो जाए ये लाल भाई भाई सानू उतो तू सजन बनाई रखिए तेरी अंदरों दिल बेईमान आ, तेरे काफिर काफिर शीशे दिल दे विच कोई बसदा होर इंसान आ, बेलजिया चंगी लज रखिया तेरा मनिया हर फरमान आ, जैद भाई ओदी नस्ल च दर्द वफा कोई नहीं सानू आखदा रोज जाना। वाह वाह, ये शेर खास तौर पे उन लोगों के लिए था जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, मुनाफ़त रखते हैं जिनमें दिल साफ होना चाहिए, तो आपने हमारे IETV इकबाल इंटरटेनमेंट को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और हमारे भाई के लिए कमेंट्स ज़रूर देने हैं, आपके नाम की पोएट्री भी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला, कि हमारा प्रोग्राम बहुत दूर तक जाने वाला है इंशाल्लाह ताला, आपके साथ बने रहेंगे, शुक्रिया।